जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर पद का चुनाव हुआ संपन्न। विजय प्रताप सिंह का चेयरमैन बनना लगभग तय। चिलुआताल थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। सीओ कैंपियरगंज ने बताया कि व्यावसायिक विवाद में भाई नहीं कराई अपने भाई की हत्या। दो आरोपी गिरफ्तार। अहमदनगर चकसा हुसैन मोहल्ले में जल जमाव और व्याप्त गंदगी के विरोध में कांग्रेस ने सोनिया गांधी ब्रिगेड ने मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से किया विरोध प्रदर्शन। महापौर ने किया गोरधैया नाले की साफ सफाई का निरीक्षण। कहा 7 किलोमीटर लंबे नाले की पहली बार हो रही है सफाई। अचानक ट्रक का टायर फटने से अनियंत्रित हुई सामने आ रही स्कूली बस, बड़ा हादसा होने से टला। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हिमायूपुर में स्थित एक दुकान में चोरों ने लाखों के माल पर हाथ किया साफ। हरकत में आई गोरखनाथ पुलिस ने चोरी के माल के साथ एक को लिया हिरासत में। मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। 25,815 लघु व सीमांत एनपीए खाते वाले कृषकों का फसली ऋण मोचित किए जाने में त्रुटियों को दूर करने की कार्रवाई है जारी। चोरों ने काटा दुकान के शटर का ताला, चोरी करने में हुए विफल। और संस्कार भारती परिवार और गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग ने कला ऋषि पद्मश्री बाबा योगेंद्र नाथ को किया सम्मानित।